नमस्ते अजी, एंशिएंट हीलिंग साइंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रेकी हीलिंग की क्लासेस में हम आज सीखेंगे रेकी लेवल 1 यानी कि रेकी का प्रथम सोपान, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मयंक धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पता चला है कि मैं अपने गुरुओं के पास रेकी हीलिंग के स्वयं शक्तिपात को सीखने के लिए गया था, यानी कि सेल्फ अट्यूनमेंट सीखने के लिए गया था। सीख के मैं आ चुका हूँ, और कैसे सेल्फ अटेनमेंट को किया जाएगा ये आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। हर लेवल के साथ, हर सोपान के साथ आपको अटेनमेंट भी सिखाया जाएगा। आज की क्लास में हम रेकी लेवल 1 को ब्रीफली जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक आग्रह है कि बीइंग अ रेकी स्टूडेंट, एक विद्यार्थी भाव से बैठिए, एक गिलास पानी पी के, अगर कोई बेल्ट पहने हैं तो बेल्ट उतार दीजिए, कोई वॉलेट रखे हैं वॉलेट उतार दीजिए, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए और शांत भाव से बैठिए। हाथ जोड़कर अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज मैं रेकी हीलिंग का पहला लेवल प्रथम सोपान सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और इस विद्या को सीखने में मेरी सहायता कीजिए। ये जो सिखाने वाला इंसान मेरे सामने मुझे जो सिखा रहा है, उसे ये शक्ति दीजिए कि वो मुझे अच्छे से सिखा सके, और थोड़ी देर के लिए इस इंसान पर गुरु तत्व डालने की कृपा कीजिए। इस तरह से ये प्रार्थना आप कंप्लीट कीजिए और पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठिए। कम से कम 5 से 8 बार डीप ब्रीथ कर लेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। अब इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद निश्चिंत होके, रिलैक्स होके बैठ जाइए। ये मान के बैठ जाइए कि आज आप रेकी हीलिंग का प्रथम लेवल सीख रहे हो। प्रथम लेवल की क्लास में जो ट्रेडिशनल तरीका है, मैं वही अपनाना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले होता है अपना परिचय, मतलब आप मुझे अपना परिचय देंगे, आप रेकी हीलिंग क्यों सीखना चाहते हैं ये बताएंगे, फिर मैं आपको अपना परिचय दूंगा, उसके बाद रेकी का इतिहास बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में, फिर मैं ये समझाऊंगा कि रेकी हीलिंग के प्रथम लेवल पे कौन कौन से सिंबल्स दिए जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा कि कैसे अपने शरीर के 7 चक्रों को आने वाले 21 दिनों तक आप हील करेंगे, जिससे आप एक आम इंसान से रेकी हीलर में कन्वर्ट होंगे। तो शुरू करते हैं हमारे उसी ट्रेडिशनल तरीके से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप रेकी हीलिंग क्यों सीखना चाहते हैं। अब मैं मानता हूँ कि आपने मुझे अपना नाम बता दिया है, अब मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मयंक धैर्यवान। 2016 में PhD कंप्लीट करने के बाद मैंने रेकी हीलिंग की शिक्षा ली थी आज से 4 पहले नेपाल में, और अपने गुरु आदेश के चलते अब मैं आप लोगों को रेकी का जो भी ज्ञान थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये तो था मेरा परिचय जो दुनिया वालों ने मुझे बताया है, और माता पिता के आशीर्वाद से जो मैं बन पाया हूँ। आगे आगे कि मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद ये कहें कि मैं अभी भी इस सवाल का जवाब खोज रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, आप सभी शायद इस चीज़ की तलाश में होंगे और मुझे अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। रेकी शक्ति का मतलब क्या है? हीलिंग शक्ति का शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल फोर्स, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह व्याप्त है। हम सब में एक प्राण ऊर्जा होती है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। इस प्राण ऊर्जा में जहाँ फेरबदल होता है तो या तो बीमारी, दुख, संताप, ये सारी चीज़ें हमें घेरने लगती है, और अंततः अगर प्राण ऊर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं, एक आलू, एक साबुत आलू और एक उबले हुए आलू में एक गहरा फर्क है। सिर्फ उबाल देने मात्र से इसकी प्राण ऊर्जा बहुत हद तक कम हो चुकी है, इसलिए एक साबुत आलू 7 से ज़्यादा जिंदा रह सकता है और एक उबला हुआ आलू 24 घंटे में ही सड़कर मर जाएगा। तो आपने प्राण ऊर्जा का अर्थ समझ लिया, तो ये है वो लिविंग फोर्स, रेकी एनर्जी।
बहुत छोटे मायने में मैंने इसे समझाया है। रेकी शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, जिसे शब्दों में समझा पाना मेरे जैसे तुच्छ इंसान के ज्ञान के आधार पर बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रेकी हीलिंग अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ या बहुत बड़ा जानकार हूँ। जी नहीं, मैं बस वो हूँ जिसने आपसे पहले रेकी हीलिंग सीख ली है। बस आप ये समझ सकते हैं कि आपसे सीनियर स्टूडेंट, मैं बस आप जैसा ही हूँ। मैं आज भी सीख रहा हूँ, जो कुछ सीख पा रहा हूँ उस चीज़ में आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। रेकी की शुरुआत कहाँ से हुई? रेकी का पुनरुत्थान, पुनर्जन्म करने वाले सदगुरु का नाम है, पहले गुरु का नाम है डॉक्टर मिकाओ उसुई। डॉक्टर मिकाओ उसुई एक टीचर थे और बहुत ही अच्छे इंसान। उनका जीवन किसी मॉन्क की ही तरह था। वो बौद्ध टेंपल में उनका आना जाना हमेशा बना था और बहुत ही धार्मिक और बहुत ही सभ्य इंसान थे। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हीं के किसी स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि सर, जैसे पहले भगवान बुद्ध लोगों को सिर्फ छू करके ठीक कर दिया करते थे, भगवान जीसस क्राइस्ट लोगों को सिर्फ छू करके हील कर दिया करते थे, क्या ये बात सच में संभव थी या ये सिर्फ कहानी है? और अगर संभव थी तो आज क्यों नहीं? क्या ये आज भी इतनी ही कारगर है? उस दिन डॉक्टर मिकाओ उसुई को बहुत बेचैनी हुई। इस सवाल का जवाब वो अच्छे से दे नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा इस सवाल का जवाब खोजना चाहिए। वो जापान में बहुत सारे बौद्धिस्ट मॉन्क के पास गए और उन्हें उनसे पूछा कि क्या कर सकते हैं, इसका क्या हल है। उन्हें कहीं भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। फिर खोजते खोजते एक बार किसी मॉन्क ने उनसे कहा कि एक पहाड़ी में चले जाइए और वहाँ जाके तपस्या कीजिए, तपस्या से ही ये शक्ति सिद्ध हो सकती है। तो उन्होंने पूछा कितने दिन की तपस्या करनी होगी? तो मॉन्क ने कहा 21 दिन की तो कम से कम करनी होगी। फिर वो मॉन्क लोगों से परमिशन लेकर के उस पहाड़ी पर चले गए तपस्या करने के लिए। अगले 21 दिन उन्होंने ध्यान लगाया, बहुत गंभीर ध्यान लगाया, बहुत ही डीप मेडिटेशन किया इस इच्छा को लेके कि उन्हें ये हीलिंग पावर कैसे भी मिले या इसका जवाब मिले। उन्होंने इतनी गंभीर तपस्या की कि उन्हें दिन और रात का समय का पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने एक एक कंकड़ रखना शुरू किया था कि उन्हें पता चले कि कितने दिन बीत चुके हैं। इस तरह से 20 दिन बीत गए और उन्हें लगा कि शायद कुछ नहीं हो रहा है। वो बहुत परेशान हो गए। 21वें दिन वो फिर से आखिरी बार तपस्या किए। आखिरी बार उन्होंने फिर से आगे अपनी कोशिश जारी रखी और फिर एक ऐसी घटना घटी। सूरज उगने का समय था, अचानक से आकाश दिव्य रोशनी फूटी और उनकी आंखें खोली। जैसे ही उनकी आंखें खोली, एक दिव्य रोशनी उड़ते हुए उनकी आंखों में समा गई। उन्हें लगा ये शायद वो शायद हेलुसिनेट कर रहे हैं, वो शायद भ्रम में है। इतने दिन से यहाँ पड़े पड़े बिना खाए पिए बिना रहे, शायद वो भ्रम, उन्हें दृष्टि भ्रम हो रहा है। तो वो इस तरह से अपनी तपस्या को कंप्लीट किए और शायद निराश भाव से वो नीचे उतर गए। उन्हें लगा शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी या शायद वो अभी उतने सिद्ध नहीं हुए हैं, ये सोचकर वो नीचे आ गए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक भोज चल रहा है, सामूहिक भोज चल रहा है। बहुत दिन के भूखे थे तो वो वहाँ खाने चले गए। डॉक्टर मिकाओ उसुई को हर कोई जानते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर थे वहाँ के। उन्होंने उन्हें आदर के साथ बैठाया और वहाँ वो भोजन करने के लिए बैठ गए। उन्होंने वहीं देखा कि जिन्होंने भोज रखा था उनकी बेटी, उनकी छोटी सी बच्ची का गाल डेंटल पेन की वजह से, दांतों के दर्द की वजह से सूज गया था। उन्हें देख के बहुत बुरा लगा कि ये बच्ची कितने दर्द में है। उन्होंने उस बच्ची को बुलाया और कहा बेटा क्या हुआ? बच्ची ने बताया कि बहुत दर्द है। तो उन्होंने बस अनायास ही अपना हाथ उसके गाल पे रख दिया, बस ये देखने के लिए बच्ची क्या हो गया तुम्हारे गाल को। हाँ ठीक हो जाएगा, बस ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा बेटा, रो मत, बस उन्होंने इतना कहा और अपने हाथों को उनके गाल पे रख दिए। बच्ची थोड़ी देर में शांत हो गई और जब तक वो खाना खा के उठे बच्ची के गाल का दर्द ख़त्म हो चुका था। और शाम होते होते उनके माता पिता ने डॉक्टर उसुई को बताया कि उनके गालों का सूजन भी जा चुका है। वो बहुत हैरान हुए, उन्होंने समझा
कि शायद उनके हाथों में सच में वो हीलिंग पावर आ गई है, लेकिन अभी भी उन्हें यकीन नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि शायद कोइंसिडेंस होगा। तो उन्होंने और भी कुछ लोगों के साथ ये प्रयोग किया, एक बीमार कुत्ते के साथ, कुछ बीमार लोगों के साथ ये प्रयोग किया, और उन्होंने देखा कि उनके हाथों में सच में ये हीलिंग पावर आ गई है। इस तपस्या मात्र से उनके अंदर ये हीलिंग पावर आ चुकी है। वो बहुत खुश हुए और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुले हाथों से लोगों का इलाज किया। वो दिन भर रात रात भर लोगों का इलाज करते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि लोग ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन वापस फिर से अपनी उन्हीं परेशानियों में वापस घिर जा रहे हैं या किसी और परेशानी में घिर जा रहे हैं। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि रेकी हीलिंग के समय एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। मतलब कि गरीबों का फ्री में इलाज कर देने से वो ठीक नहीं होंगे, जब तक उस प्रॉब्लम, जो भी उनको तकलीफ़ है, जो भी उनकी पीड़ा है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, कोई भी पीड़ा है, अगर जब तक वो उसके बदले कोई ऐसा वैल्यूएबल चीज़ उन्हें नहीं देते कि उस दी हुई चीज़ की वो वैल्यू कर सके, तब तक ये हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। तब डॉक्टर मिगाओ उसने ये नियम बनाया कि एनर्जी एक्सचेंज में आपको कुछ तो देना होगा, रोटी, कपड़ा, सेवा, काम, शारीरिक श्रम, कुछ पैसे, कुछ भी, जो भी वो दे सकते हैं उसकी वैल्यू करने के बदले वो उन्हें देना होगा। इस तरह से डॉक्टर मिकाओ उसोई रेकी हीलिंग को लोगों में बांटते गए, उन्हें हील करते गए, उन्हें ठीक करते गए। उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन फैलती गई। शुरुआत समय में उन्होंने किसी को रेकी हीलिंग नहीं सिखाया, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि कोई इसके लिए वर्दी है। लेकिन समय के साथ उन्होंने आगे चलकर डॉक्टर चुजिरो हयाशी को पहली बार रेकी हीलिंग सिखाया, और डॉक्टर चुजिरो हयाशी ने मैडम हवायो टकाटा को रेकी हीलिंग सिखाया। मैडम टकाटा ने ही असल में रेकी को सार्वभौमिक किया, सबको सिखाया। मतलब पहले गुरु ने दूसरे गुरु को सिखाया, दूसरे गुरु ने तीसरे गुरु को सिखाया, और तीसरे गुरु ने पूरे जग को सिखाया, हम ऐसा मान सकते हैं। उन्हीं के द्वारा रेकी हीलिंग अब हम तक पहुंची है। तो ये हुआ रेकी का इतिहास शॉर्ट फॉर्म में। बाकी ये इतिहास गूगल में आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब इस क्लास में अगला नंबर आता है सिम्बॉल्स को सीखना। पहले लेवल में दो सिम्बॉल्स सिखाए जाते हैं, चौकुरे और सेहे की। ये दोनों को सिखाने के लिए जस्ट अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ड्रॉ करके सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, तो इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये जानना भी तो ज़रूरी है कि इन दोनों का काम क्या है। चौकुरे का मतलब है शक्ति, इसका शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ है। शक्ति का प्रयोग जब भी आपको करना है किसी भी चीज़ को हील करने के लिए, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, किसी की बीमारी, किसी की समस्या, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी के मेंटल प्रॉब्लम, अपने चक्रों को हील करने के लिए, किसी और के चक्रों को हील करने के लिए, आपको हमेशा चौकुरे का ही इस्तेमाल करना होगा। हर हीलिंग में आपको चौकुरे का इस्तेमाल करना ही होगा, ये आप जान लीजिए। सेहेकी का मतलब होता है बैलेंस, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, उस परम पिता परमात्मा का अनकंडीशनल लव। ये लाल रंग का होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। चौकुरे को हमेशा सफ़ेद उजले रंग में इमेजिन किया जाता है, और सेहेकी को हमेशा लाल सुर्ख रंग में इमेजिन किया जाता है। ये शक्ति है और ये शक्ति का बैलेंस है। हमेशा चौकुरे हर जगह इस्तेमाल होगा, हर हीलिंग में, और साथ में इसे बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ भी प्रेम, जहाँ भी लव, अनकंडीशनल लव की बात आएगी, वहाँ से ही का इस्तेमाल होगा। आप सीधे मैनर में ये समझिए कि जब भी हम चौकुरे का इस्तेमाल करेंगे शक्ति के लिए, और शक्ति को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे सेहेकी का। इन दोनों ही सिंबल्स का प्रयोग और इसे बनाने की पूरी विधि मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब इसका प्रयोग अपनी हथेली पे करना है, इन दो उंगलियों से इस हथेली पे और इन दो उंगलियों से इस हथेली पे। दोनों हथेलियों में पहले चौकुरे ड्राव करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, शुद्ध करके ये जो शुद्ध किया हुआ, ये जो कचरा है, जो नेगेटिविटी है, इसे हम ब्रह्मांड में उछाल लेंगे। ब्रह्मांड में पूरा पहुंचा के उसे ध्वस्त करना है, या फिर यहाँ एक इमेजिन करना है कि एक पात्र है जिसमें नमक का पानी है, नमक घुला हुआ पानी है, या एक अग्नि का कुंड है
जिसमें हम इस कचरे को डाल के इसे ख़त्म कर देते हैं। फिर हम दोबारा चौकोरे अप्लाई करते हैं, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, हमने शक्ति को स्थिर कर दिया। अब हम ड्रॉ करेंगे सेह की, इस शक्ति को बैलेंस करने के लिए, सेह की सेह की सेह की, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, या बैलेंस हो बैलेंस हो बैलेंस हो, स्थिर हो बोलना सबसे अच्छा होता है। इस तरह से दोनों हाथों में, और उसके बाद हम अपने सातों चक्रों को एक एक करके हील करेंगे। सातों चक्रों को हील करने के लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से 21 दिनों तक खुद के सातों चक्रों को हील करना आपका तपस्या होगा। जैसे डॉक्टर मिकाओ उसुई ने एक बहुत दिव्य और कठिन तपस्या की थी, आपको रोज़ आधे घंटे 3x7 21 मिनट की तपस्या है, जिसे हम आधे घंटे मान के चलते हैं, रेकी हीलिंग को कॉल करना, उसका आवाहन करना। आवाहन कैसे करते हैं उसका भी वीडियो बना हुआ है। आवाहन करेंगे और रोज़ इस तरह से हील करेंगे। एक अच्छे रेकी हीलर बनना चाहते हैं तो रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले नहा धो करके रोज़ अपने आप को हील करिए, और के लिए 21 दिनों तक आप रेकी हीलर बन जाएंगे। इसके बाद आता है शक्तिपात। शक्तिपात के लिए स्वयं शक्तिपात का एक वीडियो मैं बना करके आपको दूंगा, कैसे शक्तिपात करना है। थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, विधि बहुत आसान है, करने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है, थोड़ा इनकन्वीनियन हो सकता है, ये आपको करना होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आप रेकी किसी से भी लेते हैं, विद्या लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, तो जैसा कि डॉक्टर उसुई ने एक नियम बनाया है कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, तो आप इस जो प्रक्रिया आप मुझसे सीख रहे हैं उसके बदले आप मुझे कुछ एनर्जी एक्सचेंज में देंगे। जो भी आप वैल्यू करते हैं वो आप कैसे करेंगे, उसकी आसान प्रक्रिया के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपका कुछ जाए भी ना, आपके जेब से कुछ भी ना निकले, और आपका एनर्जी एक्सचेंज भी पूरा हो जाए और आप रेकी हीलर बन जाए। अपने रेकी मास्टर की तरफ से आपको कोई भी उधार नहीं रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं ऐसे किसी भी इंसान को रेकी हीलिंग नहीं सिखा रहा हूँ जो रेकी हीलिंग के नाम से किसी से भी पैसे लूट रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उससे पैसे ले रहा है, इसे किसी कारोबार की तरह, किसी प्रोफेशन की तरह, किसी धंधे की तरह चला रहे हैं। मैं आपको दिल से विश्वास दिलाता हूँ दोस्त, रेकी हीलिंग सीख गए ना तो पैसे की कमी कभी नहीं होगी, रेकी बेचने की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। विश्वास कीजिए, अपने विश्वास पे विश्वास रखिए, जो विश्वास आप दूसरों को दिलाना चाहते हैं उस पर खुद विश्वास कीजिए। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी धंधा करेंगे, इवन पैसा इन्वेस्ट ही करेंगे, तो भी रेकी हीलिंग की ही मदद से आपका कारोबार चलेगा, फलेगा। और इसे फुल टाइम प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं तो एक बार सोच के देखिए, एक रेकी हीलिंग करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, मोटा मोटा 5 मिनट मान लेते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसी से पैसे लूटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चार्ज करके रेकी हीलिंग कर दीजिए। भी मासूमियत से पूरे खुले दिल से लोगों की सेवा कीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, और आपको देखना बदले में कितना कुछ मिलेगा। मुझे सब कुछ मिला, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छा रूप, अच्छा रंग, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा घूमना, अच्छा फिरना, अच्छे दोस्त, हर चीज़, मन की शांति भी सब मुझे रेकी हीलिंग से मिली है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सब मिलेगा, अगर देने के बारे में सोचेंगे, अगर लेने के बारे में सोचेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना आप लेना चाहते हो शायद। ये बात आता है गुरु उसुई के 5 संदेश, 5 उसूल, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूँगा, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा, सिर्फ आज के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने खुदा को, मैं ग्रेटफुल रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा, सिर्फ आज के लिए मैं ईमानदार रहूँगा, सिर्फ आज के लिए मैं दूसरों के लिए काइंड रहूँगा, दयावान रहूँगा। इसके लिए एक अलग वीडियो मैं अच्छे से समझा के बना दूँगा। रेकी लेवल 1 के लिए कम्प्लीट प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें आपको लेवल 1 से जुड़े सारी जानकारी लाइन से मिलती रहेगी। और भी अगर कोई सवाल आपके हों तो आप पूछेगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेवल 2 के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा, लेवल 3 के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। भले वीडियो लेट से डाल रहा हूँ लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ डाल रहा हूँ। अब आप एक रेकी हीलर बनने वाले हैं,
बहुत सारी बधाइयाँ लेवल वन कंप्लीट करने के लिए, बहुत सारा आशीर्वाद मेरे गुरुओं की तरफ से, बहुत सारा आशीर्वाद इस परमपिता परमात्मा की तरफ से। आप एक महान रेकी हीलर बनेंगे, उससे भी ज़्यादा अच्छे रेकी हीलर बनेंगे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ मैं आपके लिए, ऐसी शुभकामनाएँ देता हूँ मैं आपको। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, बस आपका एक सीनियर बड़ा गुरु भाई हूँ जिसने आपसे पहले रेकी हीलिंग सीखी है। मुझे गुरु मानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका प्यार और आपका रिस्पेक्ट जितना मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बस मेरे लिए ये प्रार्थना करिएगा कि ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे मैं अच्छे से बहन कर सकूं। रेकी हीलिंग से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो बतानी बाकी है। आज के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते आय जी।